गुड मॉर्निंग सेवन क्लास। हमने जो अपना चैप्टर नंबर सिक्स स्टार्ट किया था मार्केट्स अराउंड अस, इस चैप्टर का आज हम जो है सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्सेस फिक्स्ड प्राइस पॉलिसी। जो जो है हम फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड प्राइस जो पॉलिसी है इसके बारे में देखेंगे। फ्लेक्सिबल प्राइस मीन्स वेरिएबल प्राइस पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द सेलर कैन सेल सिमिलर क्वांटिटीज टू डिफरेंट बायर्स एट डिफरेंट प्राइसेस। जो फ्लेक्सिबल प्राइस होता है, ये क्या प्राइस होता है, इसमें जो जो सेलर है वो सेल कर सकता है अपना कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, एक ही क्वांटिटी होगी लेकिन जो बायर है वो उसे अलग अलग प्राइस में खरीद पाएगा। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल प्राइस हुआ। ठीक है, द फाइनल प्राइस इज ऑब्वियसली इन द हैंड्स ऑफ कस्टमर एंड देयर बार्गेन क्वालिटीज़। ठीक है, जो फाइनल प्राइस होता है वो कस्टमर खुद ही जो है बार्गेन करके, यानी जो मोल भाव करके जो है वो उसे डिसाइड करता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नीड्स स्पेशल क्वालिटीज ऑफ शॉपकीपर ऑल्सो एज ही कैन चार्ज एज मैनी प्रॉफिट एज ही वॉन्ट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल। ही डील्स डिफरेंटली विद डिफरेंट कस्टमर्स। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल जो प्राइस होता है इसमें क्या होता है, प्राइस फिक्स नहीं है। ठीक है, वो जो है उस कस्टमर पर डिपेंड करता है और शॉपकीपर पर डिपेंड करता है कि वो किसी भी कस्टमर को, यानी कोई ज़्यादा पे कर सकता है तो उससे वो ज़्यादा भी अमाउंट जो है या बेनिफिट ले सकता है, प्रॉफिट जो है कमा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कम प्रॉफिटेबल जो कस्टमर है तो उसको कम में भी दे सकता है। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल प्राइस है उसमें प्राइस जो है फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये कस्टमर और जो है शॉपकीपर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डील करके जो है वो किसी भी प्रोडक्ट से कितना अमाउंट प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है, ही डील्स डिफरेंटली विद डिफरेंट कस्टमर। जो शॉपकीपर होता है वो फ्लेक्सिबल जो प्राइस की चीजें होती हैं, ठीक है, जिनका कॉस्ट जो है फिक्स नहीं होता है, तो वहाँ पे जो है वो अलग अलग कस्टमर से अलग अलग तरीके से डील करता है। ठीक है, क्लोथ्स ईटेबल्स ऑटोमोबाइल्स आर सोल्ड एट फ्लेक्सिबल प्राइस। ये जो क्लोथ्स हैं, ईटेबल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, यहाँ ये सारे जो है फ्लेक्सिबल प्राइस की चीज़ें हैं। ठीक है, ये जो है लोगों के बार्गेनिंग पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस चीज़ के लिए पे करेंगे। फिक्स प्राइस इज मोर एडवांटेजियस बिकॉज द प्राइस इज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स आर सेम एंड द सेलर चार्जेस द सेम प्राइस टू सिमिलर टाइप्स ऑफ कस्टमर हु परचेज सिमिलर क्वांटिटीज ऑफ द प्रोडक्ट इसेंशियल अंडर द सेम टर्म्स ऑफ सेल। लेकिन जो फिक्स्ड प्राइस है यहाँ पे, जो इसका फायदा ये है कि इसमें जो है प्राइस वो फिक्स है, तो जो है सारे कस्टमर को एक ही जो अमाउंट है, एक ही जो डिसाइड किया हुआ जो प्राइस है उसी पे जो है वो उस चीज़ को खरीद सकते हैं। द प्राइस इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स बीइंग परचेस्ड बाय द बायर्स। दिस पॉलिसी नो डाउट इनहेंसेज द कॉन्फिडेंस ऑफ बायर इन द सेलर ऑफ द बायर कॉन्फिडेंस ऑफ बायर इन द सेलर एंड देर इज नो वेस्ट ऑफ टाइम बार्गेनिंग ऑल्सो। और जो फिक्स प्राइस है उसमें प्राइस ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो उसको जो है उसी प्राइस में खरीदना पड़ेगा कस्टमर को, तो बार्गेनिंग में जो टाइम वेस्ट होता है वो भी नहीं होता। और जो है जो कस्टमर है उसमें भी जो है अगर कोई बार्गेन जिसको नहीं करना आता किसी कस्टमर को, तो उसको भी जो है उसके साथ भी उसे भी ज़्यादा पे नहीं करना पड़ता क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी जो उसमें प्राइस है वो फिक्स्ड है। मेडिसिन एंड ईटेबल्स आर द आइटम्स दैट हैव फिक्स्ड प्राइस टैग। जो मेडिसिन होती हैं, जो कुछ ईटेबल्स आइटम्स होते हैं उनमें भी जो फिक्स्ड प्राइस टैक्स की टैग जो है उसमें होता है। ठीक है, मार्केटिंग इज डन थ्रू टू चैनल। जो मार्केटिंग है वो दो जो है चैनल के थ्रू होती है, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट चैनल मीन्स प्रोड्यूसर्स ऑल सेल देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। जो डायरेक्ट चैनल है इसमें जो प्रोड्यूसर होता है, जिसने सामान प्रोड्यूस किया है, वो अपना प्रोडक्ट जो है डायरेक्टली कस्टमर को देता है। सो नो मिडल मैन इज प्रेजेंट इन दिस टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो इस मार्केटिंग में कोई भी मिडल मैन नहीं होता। ठीक है, कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं होता। वेन देयर आर मिडल मैन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट चैनल। और जब जो है मिडल मैन यानी जो बिचौलिया होता है वो होता है प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच में, तो इसको इनडायरेक्ट चैनल कहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग कुड बी डन बाय कॉन्टेक्टिंग बाय द पीपल डायरेक्टली। डायरेक्ट मार्केटिंग जो है हम डायरेक्ट जो है उस प्रोड्यूसर से कॉन्टेक्ट करके कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन सेल्समैन एट योर डोर स्टेप। कुछ सेल्समैन जो आपके घरों पे आते हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट जो है सामान वो प्रोड्यूसर से सीधा कस्टमर तक वो लेकर आते हैं। ठीक है, हमारे घरों तक आ जाते हैं। दे सेल देयर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। सम ऑफ द प्रोड्यूसर ऑल्सो सेटअप देयर शॉप इन लोकेलिटीज एंड सेल गुड्स डायरेक्टली टू द कस्टमर। कुछ जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपनी दुकानें भी खोल लेते हैं अलग अलग जो है लोकेलिटीज़ में, ताकि जो अपना सामान वो कस्टमर्स को बेच सकें। वीकली बाजार्स आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। जो वीकली बाजार होते हैं ये भी जो है इसका एक एग्जाम्पल में आ सकता है। ठीक है, कि डायरेक्ट जो मार्केटिंग है वो क्या है। ठीक है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग में जो चीज़ें हैं वो हम तक जो है मिडल मैन के थ्रू पहुंचती है।
अब नेक्स्ट क्या है, होलसेल मार्केट एंड रिटेल, होलसेल मार्केट वर्सेस रिटेल मार्केट। अब जो है जैसे हमने फ्लेक्सिबल प्राइस और फिक्स प्राइस में देखा कि क्या डिफरेंस होता है। फ्लेक्सिबल में जो प्राइस है वो फिक्स ही नहीं होता, फिक्स प्राइस में प्राइस फिक्स है तो बार्गेनिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो अब होलसेल वर्सेस रिटेल मार्केट में देखते हैं कि क्या जो है चीजें सिमिलर है और क्या फिर डिफरेंस है। द प्लेस वेयर गुड्स आर ट्रेडेड इन बल्क इज कॉल्ड होलसेल मार्केट, ठीक है। ऐसा प्लेस जहाँ पे जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में, ज्यादा अमाउंट में मिल रही है, वो क्या है, होलसेल मार्केट। वेयर गुड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ रिटेल मार्केट। और रिटेल मार्केट वो मार्केट जहाँ पे जो चीजें हैं वो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में मिल रही है, वो क्या है हमारा, रिटेल मार्केट। रिटेल शॉपकीपर ब्रिंग डिफरेंट आर्टिकल्स एंड फर्दर सेल देम टू देयर कस्टमर। जो रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं वो चीजें, बहुत सारी चीजें कहीं दूर दूर से लेकर आते हैं, फिर उसे जो है कस्टमर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। देर आर नंबर ऑफ एक्टिविटीज गोइंग इन द होलसेल मार्केट, हेयर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स इन लार्ज क्वांटिटी इज द यूजुअल सीन ऑन डेली बेसिस। जो होलसेल मार्केट होते हैं वहाँ पे आप नॉर्मली क्या देख सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में लोड किया जा रहा है किसी बस या ट्रक में, ठीक है, बस या ट्रक में, ठीक है, ताकि जो है वो उसे रिटेल मार्केट तक पहुँचा सके। तो लार्ज क्वांटिटी में जो चीज़ें हैं वो खरीदी और बेची जाती है, तो आप जो है लोगों को चीज़ों को लोड या फिर अनलोड करते हुए देख सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स कैन बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सीजन बट द वॉल्यूम इज लार्ज ऑलवेज। जो है वो चीज़ें वहाँ पे जो होलसेल मार्केट में बिक्री होती है वो भले ही जो है सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो, लेकिन जो चीज़ें हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में ही बिक्री होती है। दीज गुड्स कम फ्रॉम नॉट वन स्टेट बट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द कंट्री एंड सम टाइम्स फ्रॉम द अदर कंट्रीज ऑल्सो। होलसेल मार्केट में जो सामान होता है वो जो है सिर्फ एक उसी स्टेट का सामान नहीं होता, वो बहुत दूसरी स्टेट से भी जो सामान है वहाँ तक पहुँचता है। और कई बार जो है ये जो गुड्स होती हैं, ये जो वस्तुएं होती हैं, ये दूसरी कंट्रीज से भी जो है इंडिया में होलसेल मार्केट में पहुँचती है। फ्रॉम देयर रिटेल शॉपकीपर और अ डेली वेंडर बायस हिज स्टॉक्स एंड सेल्स इट। जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे लार्ज अमाउंट में चीज़ें मिलती है, तो वहाँ से जो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, या फिर वेंडर्स होते हैं जिन्हें आप देख सकते हैं जो जो है किसी पटरी वगैरह पे जो है जिनकी अपनी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, तो ऐसे वेंडर्स भी जो है वहाँ से सामान खरीद कर लाते हैं और जो अपना सामान है वो कस्टमर को बेचते हैं लोकेलिटीज में जा जाकर, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में जाकर। इन होलसेल मार्केट रोल ऑफ इंटरमीडियरीज आर इम्पॉर्टेंट। होलसेल मार्केट में जो है इंटरमीडियरीज यानी जो मिडल मैन होते हैं, इसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो है मिडल मैन का काम करते हैं। समटाइम्स द नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज इज लिमिटेड टू बट इट कैन बी 3, 4, 5 एंड इवन मोर। कभी कभी जो ये इंटरमीडियरीज होते हैं, मिडल मैन होते हैं, ये दो होते हैं या फिर जो है कई बार बहुत ज़्यादा भी हो जाते हैं, 4, 5 इवन उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। इफ फार्मर सेल्स हिज प्रोड्यूस डायरेक्टली इन द मार्केट ही गेट्स मोर प्रॉफिट, बट दीज इंटरमीडियरीज ऑफ्टन ईट हिज प्रॉफिट इन बिटवीन। जो फार्मर्स होते हैं, अगर वो अपना जो क्रॉप है, अपनी जो फसल है, वो डायरेक्ट अगर कस्टमर को बेचे तो उन्हें जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन जो बीच में ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं ये क्या करते हैं, उनसे चीज़ों को खरीद लेते हैं और जो उनका प्रॉफिट है वो बीच में ही जो है उसे बीच में ही जो उनका प्रॉफिट है वो उनको मिडल मैन को मिल जाता है, और जो फार्मर्स है उन्हें अपना प्रॉफिट पूरी तरीके से नहीं मिल पाता। बट इंटरमीडियरीज प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द होल इवेंट ऑफ सेलिंग एंड बाइंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट जो है उसे खरीदने बेचने में जो ये इंटरमीडियरीज होते हैं यानी जो मिडल मैन जिसे मैं कह रही हूँ, ठीक है, तो इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये चीज़ें जो है प्रोड्यूसर से लेते हैं, वहाँ उनसे जो है कम जो है प्राइस पे चीज़ों को खरीदते हैं और फिर जो है हाई प्राइसेस पे कस्टमर तक जो है इन्हें पहुँचाते हैं। इमेजिन अबाउट अ वेजिटेबल दैट अ फार्मर ग्रोज फॉर अस। द वेजिटेबल रेडी टू ईट इज पैक्ड इन द बास्केट एंड सेंट टू डिफरेंट डेस्टिनेशन, देन दीज आर अनलोडेड एंड रिटेलर्स बाय इट फॉर अस। पीपल हु आर एंगेज टू रिटेल ट्रेड आर कॉल्ड रिटेलर्स। जो वेजिटेबल हम तक पहुंचते हैं वो फार्मर उगाता है, ठीक है, उसके बाद जो उसे पैक किया जाता है, फार्मर जो उसे मंडियों में जाकर बेचते हैं, फिर वहां से जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, वो वहां से वो चीज़ों को रिटेलर्स तक पहुंचाते हैं, फिर रिटेलर्स होते हैं वो चीज़ों को हम तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये पूरे जो चीज़ों में जो पीपल जो जिन जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो जो भी जो है इस खरीद बिक्री के जो इस पूरे चेन में जो मेन रोल निभा रहा है उसे क्या कहते हैं हम, रिटेलर। दे बाय गुड्स फ्रॉम द
होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल देम टू द कस्टमर। क्योंकि ये क्या करते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं उनसे या तो सामान लेते हैं या फिर जो मैन्युफैक्चरर यानी जिन्होंने जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उनसे सामान खरीदते हैं और कस्टमर तक उसे पहुंचाते हैं। दे बाय थिंग्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, दे ऑल्सो डील इन अ वेराइटी ऑफ आइटम्स। ये जो है स्मॉल क्वांटिटीज में चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है, और जो है बहुत अलग अलग आइटम्स जो है इनके पास अवेलेबल होती है। यू मस्ट हैव सीन अ ग्रोसरी शॉप, दे आर रिटेलर्स। आपने ग्रोसरी शॉप देखी होगी, ठीक है, जहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह आप देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, रिटेलर्स। दे डू नॉट हैव देयर लिंक अप्स विद मैन्युफैक्चरर्स डायरेक्टली, दस दे हैव टू परचेज द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होलसेलर। जो रिटेलर्स आप अपने आसपास दुकानों में, शॉपकीपर में, जो भी आप जिन लोगों को भी देखते हैं जो सामान बेच रहे होते हैं, वो जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स यानी जिन्होंने सामान प्रोड्यूस किया उनसे सामान नहीं खरीदते। ये तो सिर्फ होलसेलर्स जो होते हैं वहाँ से सामान, होलसेलर से सामान खरीद कर लेकर आते हैं फिर जो है बेचते हैं। कंसिडर द प्रोडक्ट्स यू यूज फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, यू बाय दीज थिंग्स फ्रॉम रिटेलर्स। आपने जो भी, अब जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप कहाँ से खरीदते हैं, किन से खरीदते हैं, रिटेलर्स से खरीदते हैं। एंड देर इज़ अ रिटेल मार्केट इन एवरी कॉलोनी। आपने जो है आपके हर स्ट्रीट में आपने एक दुकान शॉप देखी होगी, जो मार्केट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं, ठीक है, तो जो उसमें सामान बेच रहे होते हैं वो भी कौन होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि होलसेलर से सामान खरीद कर लाते हैं और फिर हम तक पहुंचाते हैं। इन अ मार्केट यू मस्ट हैव नोटिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉप। आपने जो है मार्केट में अलग अलग तरीके की शॉप्स देखी होगी, दिस शॉप्स कैटर टू आर डेली नीड्स। इन शॉप्स में जो है आपकी एक जो है आपकी जो ज़रूरतें होती हैं डेली नीड की, वो आपको वहाँ पे आपकी पूरी हो जाती है। रिटेलर्स एक्ट्स एज अ मिडल मैन बिटवीन द होलसेलर ऑन द वन हैंड एंड द कस्टमर। जो रिटेलर है वो मिडल मैन का काम करते हैं होलसेलर और कस्टमर के बीच में। रिटेलर प्रोवाइड्स एन आउटलेट फॉर द सप्लायर्स एंड ही ऑल्सो हेल्प्स इन द सेल ऑफ गुड्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। जो रिटेलर होते हैं ये जो है चीज़ों को लार्ज नंबर पे जो है वहाँ से खरीद के लाते हैं लार्ज अमाउंट में और फिर यहाँ पे जो आके सेल करते हैं, ठीक है, सेल करते हैं, बेचते हैं। दे होल्ड एडुकेट स्टॉक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। इनके पास जो है अलग अलग टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनका स्टॉक होता है। दे ऑल्सो इन्फॉर्म कंज्यूमर्स अबाउट द प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये जो है आपको प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म भी करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। द लोकेशन ऑफ अ रिटेल स्टोर इज ऑलवेज इन आर नेबरहुड। आप जो भी रिटेलर्स होते हैं वो हर लोकेलिटी में पाए जाते हैं, आप अपने पड़ोस में देख सकते हैं। प्राइसेज आर ऑफ्टन फिक्स्ड एंड डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज ऑल्सो अट्रैक्टिव। जो प्राइसेज होती है वो भी क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है, और जो चीज़ों जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। रिटेलर ऑल्सो प्रोवाइड यूजफुल मार्केट इन्फॉर्मेशन टू मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज कस्टमर। जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उन्हें भी बताते हैं कि कस्टमर्स की ज़रूरतें क्या हैं, ठीक है, और जो कस्टमर होते हैं उन्हें भी प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में भी जो है लिंक का काम करते हैं, ठीक है, जो कस्टमर की नीड्स है उसके बारे में मैन्युफैक्चरर्स को बताते हैं और मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में कस्टमर को इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से एक लिंक का काम करते हैं। इसी के साथ आपका जो ये चैप्टर है यहाँ पर फिनिश होता है।